नीमच के टाउन हॉल में स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज फाउंडेशन और नगरपालिका नीमच के संयुक्त तत्वाधान में एक शाम मातृशक्ति के नाम कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित महिला शक्ति द्वारा रंगोली, पेंटिंग और ड्राइंग की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई। इस सांस्कृतिक संध्या में छात्राएं, युवतियां और महिलाएं बहुत ही उत्साहित मन से सम्मिलित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत गीत हुआ, तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि रंगोली, पेंटिंग व नृत्य की प्रस्तुतियां काफी आनंदित करने वाली रही। आज के युग में महिला सशक्तिकरण की सोच काफी हद तक जागृत हो चुकी है। महिलाओं का त्याग बहुत बड़ा होता है। पुरुष व महिला एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बेटियों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। बेटियों से प्यारा कुछ नहीं होता है। स्वाति चोपड़ा ने कहा कि हमें अपने लिए विशेष जगह बनाना है। महिला अपने परिवार में होम मिनिस्टर, हाउस मिनिस्टर का रोल निभाती है। महिलाओं की बचत से अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रहती है। ड्राइंग कंपटीशन में 6 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग में सेजल नाभावत को प्रथम, आस्था माहेश्वरी को द्वितीय एवं कृष्णा गुरुवानी को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 16 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में काव्यांश जैन, मुस्कान मदनानी, भाविक शर्मा और विश्मिता जैन को पुरस्कार मिला। 30 वर्ष से अधिक के आयु में अर्पिता जैन और लक्ष्मी परवानी ने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में वेबवी, अंकिता, जानवी, तन्वी शर्मा और सीमा को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बतौर अतिथि स्वाति चोपड़ा, माधुरी चौरसिया, संगीता जारोली, कविता सिहल, डॉक्टर सुजाता गुप्ता और निशा धानुका बतौर अतिथि मौजूद रहे। स्कूल स्पोर्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष रजिया अहमद और प्रदेश सचिव जूही जैन की महती उपस्थिति रही। मैडम, आज की शाम में किस तरह के बच्चों के परफॉर्मेंस हो रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की शाम में बच्चों की रंगोली, ड्राइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग का आयोजन किया गया है। हर साल ये आयोजन किया जाता है और इसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इससे बच्चे पार्टिसिपेट तो करते ही हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने पर हम उन्हें नेशनल लेवल पर भी पार्टिसिपेट करवाते हैं और नचले इंडिया जैसे प्रोग्राम आयोजित करके उनको उसमें भी पार्टिसिपेट कराया जाता है। हमारे आज के प्रोग्राम से यह मैसेज जाता है कि आज की जो महिला है वो पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी हैं और काफ़ी आगे भी बढ़ चुकी हैं। प्रोग्राम हो रहा है एक शाम मातृशक्ति के नाम, किस तरह का आयोजन है, किन की ओर से हो रहा है और क्या खास बात है? ये एक फेडरेशन है, स्कूल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रहा है, इसके ब्रांच पूरे भारत में है। तो यहाँ की जो सेक्रेटरी हैं, प्रदेश सेक्रेटरी, वो हैं जूही जैन और प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ रजिया अहमद। और इसका उद्देश्य है बच्चों के बीच में विश्वास पैदा करना, उनमें तरह तरह की गतिविधियाँ समय समय पर करवाते रहना जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़े। और आज की शाम का जो ख़ास बात है वो है कि वो एक मातृशक्ति के नाम ये शाम है और बड़ा हर्ष का विषय है कि इस शाम पर आज हमारी मुख्य अतिथि हमारे नीमच शहर की स्वाति चोपड़ा जो अध्यक्ष हैं उनको हमने बुलाया है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि एक महिला अध्यक्ष बनी है इस बार। और नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।